हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। हालांकि राम रहीम को चुनाव आयोग की कड़ी शर्तों के साथ 20 दिनों की पैरोल मिली है। आयोग ने राम रहीम के हरियाणा जाने या हरियाणा में चुनाव प्रचार करने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसके बावजूद राम रहीम को मिली इस रिहाई का कनेक्शन हरियाणा में विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार हर बार चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल कैसे मिल जाती है। हरियाणा में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही कांग्रेस ने राम रहीम की रिहाई पर पहले ही आपत्ति जताई थी। वैसे राम रहीम को मिली पैरोल के जरिए बीजेपी ने यह संदेश देने की पूरी कोशिश की है कि बीजेपी राज्य में उसका पूरा ख्याल रखा गया है। बुधवार 2 अक्टूबर रोहतक जेल से राम रहीम बाहर आ गया। उसे 20 दिन के लिए पैरोल मिली। राम रहीम को पिछले 7 साल में 15 बार पैरोल मिल चुकी है और 259 दिन से भी ज्यादा जेल से बाहर बिताए हैं। खास बात तो यह है कि उसको मिलने वाली पैरोल किसी न किसी चुनाव के आसपास ही मिली है, जिस पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है और अब भी सवाल उठा रही है। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि उसकी रिहाई जेल के प्रावधानों के हिसाब से हुई है। बता दें कि राम रहीम हरियाणा और पंजाब में अच्छी खासी पकड़ रखता है और इन राज्यों की राजनीति में वह लंबे समय से दखल देता रहा है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है। वह रोहतक में स्थित सुनारिया जेल में सजा काट रहा है, लेकिन ज्यादातर बाबा बाहर ही दिखाई देता है, कभी पैरोल तो कभी फरलो पर। उसकी रिहाई के साथ ही यह अटकलें लगने लगी हैं कि वह हरियाणा विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, भले उसके सामने शर्तें रखी गई हो कि पैरोल के दौरान वह किसी से मिलेगा नहीं, चुनाव संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। लेकिन बता दें कि राम रहीम का कद कोई इतना छोटा नहीं है। बीजेपी इस बात को भलीभांति समझती है। हरियाणा के 6 जिलों में उसके समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है। ये जिले हैं फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार। इन 6 जिलों में करीब 26 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें फतेहाबाद जिला ऐसा है जहां उसके समर्थकों की तादाद सबसे ज्यादा है। बताया जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की संख्या 125 करोड़ के आसपास है। डेरा की 38 शाखाओं में से 31 तो सिर्फ हरियाणा में है। धार्मिक चेहरे के बावजूद डेरा सच्चा सौदा राजनीति में एक्टिव रहा है और उसकी पॉलिटिकल विंग भी है। राम रहीम का यह संगठन बीते समय से शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट कर चुका है। राजनीति के जानकारों के अनुसार डेरा के समर्थक कुछ हद तक इस बार भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि डेरा के हरियाणा में लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और वे चुनाव पर असर डाल सकते हैं। फतेहाबाद में इनकी संख्या काफी हद तक है। तोहना, रतिया और फतेहाबाद विधानसभा में चुनाव के परिणाम में उनकी दखलंदाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। साल 2007 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने कांग्रेस का समर्थन किया था। साल 2014 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डेरा ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। इसके साथ साल 2015 में दिल्ली में जब चुनाव हुए तो डेरा ने खुले तौर पर भाजपा का समर्थन किया था। 2015 के बिहार चुनाव में राम रहीम के इस विंग ने बीजेपी के लिए समर्थन किया। एक अनुमान के अनुसार डेरा के करीब 3000 समर्थकों ने बीजेपी के लिए बिहार में कैंपेनिंग की थी। तो ऐसे में ये बात भी साफ हो जाती है कि बाबा को चुनावी फायदे के लिए बीजेपी की ओर से रिहा किया गया है और बाबा की राजनीतिक पकड़ भी बहुत अच्छी खासी है। बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है ये बताएं तो डेरा का कम्युनिकेशन नेटवर्क काफी मजबूत माना जाता है और ऐसे में व्हाट्सएप मैसेज के जरिए किसी भी पार्टी को बड़ा सियासी फायदा पहुंचाया जा सकता है। राम रहीम की रिहाई से यह फायदा बीजेपी को मिलने की बात कही जा रही है। डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ओर से
इस बात का फैसला किया जाता है कि चुनाव में आखिरकार किस दल को समर्थन देना है। चुनाव आयोग की शर्तों के कारण राम रहीम ने चुप्पी जरूर साध रखी है, मगर माना जा रहा है कि भीतर ही भीतर बाबा कोई बड़ा सियासी खेल करेगा। सबसे बड़ा कारण क्या है ये बता दूं तो हरियाणा में दलित वोटों को हासिल करने के लिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस में एड़ी चोटी की जोर दोनों पार्टियों की ओर से लगाया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जाट बिरादरी के मतदाता कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, जबकि पंजाबी हिंदू और पिछड़ों का जो वोट है वो बीजेपी के साथ दिख रहा है। बनिया और ब्राह्मण वोट भी बीजेपी के साथ है, मगर कांग्रेस की ओर से इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश लगातार जारी है। इसीलिए बीजेपी की ओर से यह दांव चला गया है कि राज्य में दलित मतदाताओं की संख्या करीब जो 21% है उस पर फोकस है बीजेपी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ जरूर मिलवा दिया, मगर दोनों के दिल अभी भी शायद मिल नहीं सके हैं। ऐसे में बीजेपी ने दलित मतदाताओं से खासी उम्मीद लगा रखी है। सियासी जानकारों का मानना है कि राम रहीम की रिहाई से बीजेपी को दलित वोटों का फायदा मिल सकता है। अगर बीजेपी दलित वोटरों को पाने में कामयाब हो गई तो हरियाणा की सत्ता में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत सकती है। इन संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बीजेपी की ओर से बाबा का इतना ख्याल रखा गया और चुनाव से ठीक पहले उसकी रिहाई के ये मायने हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।